अनुरागी और महासचिव सलीम खान को बनाया गया। मध्य प्रदेश छतरपुर जिले के सरवई में स्वतंत्र जनता राज पार्टी की बैठक हुई, जहां उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष घनश्याम कोरी के निर्देशानुसार पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई। पार्टी में बुंदेलखंड अध्यक्ष मेघुलाल अनुरागी, वहीं दूसरी ओर सलीम खान को बुंदेलखंड महासचिव के पद पर नियुक्त किया गया। स्वतंत्र जनता राज पार्टी के नव नियुक्त बुंदेलखंड अध्यक्ष मेघुलाल अनुरागी ने कहा, हमारी पहली प्राथमिकता अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य है। साथ ही महासचिव सलीम खान ने बताया कि बुंदेलखंड को जिस प्रकार से नजरअंदाज कर शोषण किया गया है, प्रत्येक पहलुओं पर पुनः सुदृढ़ करने का प्रयास करते हुए दानवता के धनियों को खदेड़ने का जनहित में कार्य किया जाएगा। आर के सोनी की खास रिपोर्ट। पार्टी है हमारी स्वतंत्र राज पार्टी, तो पार्टी ने हमें एक जिम्मेवारी बुंदेलखंड अध्यक्ष की बनाई है, जिसमें सभी हम लोग कार्य करने के उद्देश्य से और हमारी पार्टी की मांग है हमारी कि पेंशन योजना लागू करो, वोटर पेंशन योजना लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। इस तारतम्य में हम बुंदेलखंड में और अपने प्रदेश और देश में काम कर रहे हैं। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोहर घनश्याम कोरी जी हैं और पूरे बुंदेलखंड में पदाधिकारी बनाए गए हैं, जिसमें सरोमन स्वामी बुंदेलखंड के संयोजक हैं और मैं मैकुलाल अनुरागी बुंदेलखंड का अध्यक्ष हूं और महासचिव भाई सलीम खान को बनाया गया है। और इसको विकास विस्तार करने के लिए हमारी मीटिंग रखी है और सभी कार्यकर्ता जागरूक हो जाएं और आगे आने वाले समय में जहाँ हमारी पार्टी की योजना हो और कहीं मीटिंग हो उसमें हम सब लोग भाग जा सके और सब लोगों को इकट्ठा करके अपना काम कर सके, पार्टी के हाथ मजबूत करें। और हम चाहेंगे 2022 में उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं कि अधिक से अधिक विधायकों को टिकट दें और हमारी पार्टी से विधायक चुनकर जाएं। यही आज के संदर्भ में मीटिंग रखी। मीटिंग का मुख्य पहलू है पार्टी के विस्तार के लिए किया गया। हाँ, पार्टी के विस्तार के लिए किया गया है। जिला छतरपुर में मैं अभी अपने मौजूदा कितने पदाधिकारी नियुक्त किए गए? हमारी अभी पार्टी के मध्य प्रदेश इकाई के अभी कोई नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश को देखते हुए 2022 में चुनाव होने के कारण हमारे उत्तर प्रदेश में सभी पदाधिकारी नियुक्त किए गए। आपको बुंदेलखंड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, आपके पहली प्राथमिकता आपकी क्या रहेगी बुंदेलखंड के संदर्भ? पहले हमारी प्राथमिकता ये रहेगी कि हर वोटर को जागरूक करेंगे कि भाई जो हमें कठिनाई होती है खर्चा झेलने में, विधायक और सांसद को पेंशन मिलता है, इसलिए जो वोट डालने वाले हैं उनको प्रतिमाह 6,000 रुपये का पेंशन के रूप में दिए जाएँ। और दूसरी प्राथमिकता हमारी ये रहेगी जो हमारा बुंदेलखंड है पिछड़ापन है और जो बुंदेलखंड की मांगे हैं वो हम उठाएंगे और हर आम आदमी को जागरूक करेंगे और जागरूक करके पार्टी को मजबूत बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।